सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द मार्केट ग्रीक्स एवरीवन। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस। सो आज हम एनालाइज करने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज को। ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ी कंपनी और एक बहुत ही बड़ा स्टॉक है, सभी लोग इंटरेस्टेड हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि काफी लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब रिलायंस जो है ओवर वैल्यूड हो चुका है, शायद अब रिलायंस की प्राइस में करेक्शन आएगा। तो एक बार उसके फंडामेंटल्स को देख के चेक कर लेते हैं कि वेदर क्या ये करेक्शन नियर बाय है या नहीं है, करेक्ट, ताकि आप डिसाइड कर पाए कि वेदर टू गो लॉन्ग या अभी आपके पास अगर पोजिशन है तो उसको स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर फंडामेंटली बात करूं तो रिलायंस टोटल 6 सेगमेंट्स के अंदर ऑपरेट करता है। सबसे पहले ऑयल एंड गैस का जो है एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन का काम है। क्रूड ऑयल जो है निकालते हैं जमीन से और लिटरली जामनगर के अंदर रिफाइनरी, बिगेस्ट रिफाइनरी जो है रिलायंस ने लगाया हुआ है, जो कि इसका सेकंड बिजनेस है, सेकंड सेगमेंट, रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग ऑफ क्रूड, एक्सट्रैक्टिंग डिफरेंट फ्यूल जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्रूड ऑयल में से रिफाइन करते हैं और उसकी मार्केटिंग भी करते हैं। और जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी प्लांटेड है इंडिया के अंदर। सो समझ सकते हैं आप कि किस लेवल पे ऑपरेट करता होगा रिलायंस, कितनी बड़ी बड़ी। ऑब्वियसली आपको अगर ऐसा डाउट आएगा कि एरेमको और ये जो दूसरी कंपनीज हैं इनके पास तो कितना क्रूड है, तो उनका काम एक्सप्लोरेशन का, रिफाइनिंग का जो सबसे बड़ा काम है वो रिलायंस के पास ही है। थर्ड जो है वो बाय प्रोडक्ट जो होते हैं पेट्रोकेमिकल्स वगैरह, इन सारी चीजों का सेल करना और इन सारी चीजों का प्रोडक्शन करना। तो जैसे कि एक पेट्रोकेमिकल जो है प्लास्टिक में यूज आता है, तो लिटरली वर्ल्ड वाइड 55% जो प्लास्टिक है वो सिर्फ 20 कंपनीज बना रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं, उनमें से रिलायंस का जो शेयर है वो 3.5% का, 3.5% जो है वर्ल्ड का प्लास्टिक सिर्फ रिलायंस अकेली बना रही है। फिर फोर्थ सेगमेंट रिलायंस रिटेल। ऑब्वियसली आपको पता ही, रिलायंस के अलग अलग स्टोर्स है, रिलायंस रिटेल के मॉल्स हैं, तो आपको पता होगा उसके अंदर रिलायंस स्मार्ट है, रिलायंस डिजिटल है, रिलायंस फुटवेयर है, रिलायंस ट्रेंड्स है, रिलायंस ज्वेल्स है और भी काफी तरह के अलग अलग रिलायंस के बहुत सारे स्टोर्स हैं। और काफी सारे स्टोर्स जो हैं अभी प्रोस्पेक्टेड हैं कि और जल्दी ये डिफरेंट लाइंस के अंदर एंटर होंगे। फिफ्थ रिलायंस जियो, सब जानते हैं, सबने यूज करते हैं रिलायंस जियो, तो आपको पता ही होगा रिलायंस जियो के बारे में। और सिक्स जो है रिलायंस एंटरटेनमेंट, तो रिलायंस एंटरटेनमेंट के अंदर TV18, कलर्स, मनी कंट्रोल, बुक माई शो, ये सारी चीजें जो है रिलायंस के पास है। और टेलीकॉम की बात करें अपन, तो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है रिलायंस, करेक्ट। तो इतनी बड़ी कंपनी है, आप समझ सकते हैं इन सारी चीजों से। अगर सेक्टर वाइज इनका मैं आपको रेवेन्यू और अर्निंग दिखाऊं तो ये आप देखेंगे कि रिटेल सेक्टर से इनको सबसे ज्यादा जो फायदा है वो तो खैर रिफाइनरी और मार्केटिंग से हुआ है। सेकंड नंबर पे अगर आप देखेंगे तो रिटेल से हुआ है। थर्ड नंबर पे देखोगे आप तो पेट्रोकेमिकल्स में सबसे ज्यादा इनका जो है रेवेन्यू की बात कर रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा देखोगे तो थर्ड नंबर पे रेवेन्यू पेट्रोकेमिकल्स से आ रहा है। फोर्थ नंबर पे डिजिटल सर्विसेज जियो से आ रहा है, ऑब्वियसली इसके अंदर कोई डाउट ही नहीं है। मीडिया एंटरटेनमेंट जो है फिफ्थ नंबर पे स्टैंड करता है और एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन जो है सबसे लास्ट में स्टैंड करता है, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन है नहीं इतना इंडिया के अंदर, सिर्फ आई थिंक एक दो प्लांट ही है इनके एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के, तो ऑब्वियसली वहां से ज्यादा नहीं। जो मेजर जो इनका रेवेन्यू है वो रिफाइनिंग से ही आता है और आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट में लेकिन सबसे ज्यादा जो शेयर है वो पेट्रोकेमिकल्स का, अर्निंग्स के अंदर जो पेट्रोकेमिकल्स का शेयर है। ऑब्वियसली प्लास्टिक जो है ऐसी चीज है, सब यूज करते हो, 3.5% ऑफ द वर्ल्ड प्लास्टिक इज बिग थिंग। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ठीक है 3.5% ही तो शेयर है, पर बिग थिंग पूरी दुनिया का 3.5% का शेयर है, सिर्फ इंडिया की आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, इंडिया का तो 90-95% शेयर होगा रिलायंस के पास प्लास्टिक प्रोडक्शन के अंदर। तो पेट्रोकेमिकल्स के अंदर भी इनका अच्छा खासा है। पेट्रोकेमिकल्स और भी दूसरी जगह पे यूज आते हैं, पर एक मेजर यूज जो है वो पेट्रोकेमिकल्स का प्लास्टिक में होता है, तो उसी से रेफर किया जा सकता है, करेक्ट। बाकी आप देखेंगे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के अंदर जो है कोई खास इनकी अर्निंग्स नहीं है, तो आप देखोगे कि 5000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू है, पर जो रिटर्न है वो काफी अच्छा नहीं है। एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन से भी ऑलमोस्ट 10% का है, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 10% का। जो मेजर जो रेवेन्यू का पोर्शन है वो रिफाइनरी मार्केटिंग और पेट्रोकेमिकल से ही है, डिजिटल सर्विसेज से भी अपन बोल सकते हैं अच्छा है, और जो रिटेल सेक्टर है उसी से भी जो है अच्छा इनको प्रॉफिट जो हो रहा है। अब अगर मैं इनकी आपको इनकम स्टेटमेंट दिखाऊं तो इनका जो रेवेन्यू फॉल हुआ है, अब एनुअल रिपोर्ट जो है, सॉरी गाइस, ये 2020 की है, 2021 के रिजल्ट्स यहां पर शो कर रहा है, पर एनुअल रिपोर्ट जो है मिली नहीं है, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे आपकी इस
आपका जो है रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू किस तरीके से वेराई कर रहा है। टोटल रेवेन्यू के अंदर आप देखेंगे तो 19 से 20 में फॉल आया, फिर 20 से 21 में फॉल आया, जो कि हम समझ ही सकते हैं हर कंपनी ने ही हिट लिया है। तो रिलायंस को जो मेजर जो हिट्स मिले हैं वो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में और रिफाइनिंग और मार्केटिंग के अंदर मिले हैं, क्योंकि क्योंकि इतनी डिमांड कम हो गई थी क्रूड की, पेट्रोल वगैरह की 2021 के अंदर। रीजन बीइंग आप सबको पता ही है कि कोविड के सिचुएशंस की वजह से, तो यहाँ पे जो इनका रेवेन्यू उस वजह से गिर गया। और रिटेल के अंदर भी ऑब्वियसली एक चीज वो एक अपन उसको एक तरीके से ले सकते हैं कि इनकी तो डिलीवरीज वगैरह चालू थी पर काफी टाइम के लिए बंद थी, पर जो ऑनलाइन डिलीवरीज वगैरह थी वो आप देखोगे सिर्फ कि रिलायंस के अंदर जो ग्रोसरी आइटम्स मिलते हैं उनकी स्टार्ट थी, राइट। बाकी फुटवेयर हो गया, रिलायंस ट्रेंड्स हो गया, रिलायंस ज्वेल्स हो गया, या दूसरी भी जो चीजें ये बेचते हैं डिजिटल वगैरह, तो वो सब ने तो हिट लिया ही था डेफिनेटली। और उसके अलावा जो ग्रोसरी वगैरह भी डिलीवरी, जियो मार्ट जो है अभी इतना बेटा प्रोसेस के अंदर ही है, पूरी तरीके से डेवलप्ड ऐप नहीं है वो, अभी भी बेटा प्रोसेस के अंदर है, तो उस वजह से जो है हिट तो इनको भी लगा था। और इसी के चलते जो है आपको इनके जो टोटल रेवेन्यू है वो फॉल दिखेगा, पर 2021 के अंदर जो इम्प्रूवमेंट आया ना, जो इम्प्रेसिव है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस को अपने बढ़ा लिया है रेवेन्यू कम होने के बाद भी। उसके पीछे जो मेजर रीजन जो है, जो मुझे मेरे एनालिसिस से लगा है, वो यही है कि 2019-20 वाले रिजल्ट्स के अंदर जब 2020 में सडनली लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, तो उस टाइम क्या हुआ कि कॉस्ट एफिशिएंट नहीं हो पाए, हर चीज इतना जो है ज्यादा अपसाइड डाउन हो गई थी, सारी चीजें इधर उधर रन कर रहे थे कि कॉस्ट एफिशिएंट नहीं हो पाए थे। बट इतने स्मार्ट है मैनेजमेंट रिलायंस का कि 2021 के अंदर उन चीजों को इम्प्रूव किया है और अपनी कॉस्ट को एफिशिएंट किया है, किन एम्प्लॉयज को बुलाना है, कैसे उनसे काम लेना है, कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी तो कौन सी चीजों को ऑपरेट करना है, कौन सी चीजों को नहीं करना है, तो देवर स्मार्ट इनफ इन दैट। उस वजह से जो है कॉस्ट रिडक्शन करा अच्छा खासा, और अपना जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल एक्सपेंसेस भी जो है कम किए और अपना प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो है वो बढ़ा लिया, तो रेवेन्यू गिरा है फिर भी, ठीक है। फिर अब इनका बिजनेस प्रोस्पेक्टस अगर अपन देखें तो शेयर वाइज हाँ यहाँ पर आप देखेंगे रिलायंस रिटेल की स्टोर्स देखिए कितनी रैपिडली ग्रो कर रही है। ऑब्वियसली 1920 के अंदर इनका जो टारगेट था वो थोड़ा ज्यादा ही था, 3000 स्टोर्स का चेंज आया था 17-18 और 18-19 के अंदर। 1920 के अंदर जो ऑलमोस्ट 1000 से कुछ ज्यादा ही स्टोर्स थोड़ी सी बढ़ पाई, उसके पीछे रीजन डेफिनेटली हम सबको पता है कोविड के वजह से, अदरवाइज जो है ये और ज्यादा इंप्रूव कर लेते। और यहाँ पर भी आप देखेंगे 17-18 टू 18-19-19-20, अब देखिए यहाँ पर जो जियो सब्सक्राइबर्स के अंदर जो एक इंक्रीमेंट जो कम हुआ है, जो स्पीड जो है बढ़ने की वो कम हुई। ऑब्वियसली जियो सब्सक्राइबर थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होते है, अगर बाहर नहीं जा पा रहे लोग तो सब्सक्रिप्शन कम लेंगे ही जियो का, ऑब्वियसली शॉप्स वगैरह अगर बंद है तो। पर फिर भी जो मेजर चीज है वो ये है कि इस इंडस्ट्री के अंदर एक सैचुरेशन पॉइंट है, ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि इंडिया के अंदर हर एक यूजर जो है वो जियो यूज करने लग जाए, करेक्ट। तो जितना इनको लेवल पहुंचना था 30 करोड़ के ऊपर जो है सब्सक्राइबर्स हो गए हैं जियो के, तो अब एक सैचुरेशन पॉइंट जो है आ रहा है, उस वजह से जो इतने सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो इस बिजनेस के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा ब्रिलियंट आगे जो इनका प्रोस्पेक्टस है, मतलब कोई बहुत ज्यादा ब्रिलियंट ग्रोथ नहीं होने वाली। जो एरिया है इनका जिसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है वो रिटेल एरिया है। हर चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, तो मेरे हिसाब से जियो जो सिम है उसका तो है एक सैचुरेशन पॉइंट, बाकी जियो फाइबर जो है वो अभी भी पूरी तरीके से इंडिया के अंदर ऑपरेशन में नहीं आया तो नहीं कह सकते। फिर भी अगर वो भी आ जाए तो 100%, ऐसा तो नहीं है ना कि 130-140 करोड़ अगर पॉपुलेशन है इंडिया की तो सभी जियो यूज करेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। इवन सबके पास जियो और दूसरा एक और कोई नेटवर्क लोग यूज करते हैं जनरली, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ द यूजर्स इंडिया के अंदर पॉपुलेशन से भी ज्यादा होंगे, क्योंकि लोग जो है एक से ज्यादा सिम कार्ड्स यूज करते हैं, एक से ज्यादा नेटवर्क्स यूज करते हैं, पर फिर भी सब कुछ जियो का नहीं होने वाला है, करेक्ट। तो वो सैचुरेशन पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर 18-19 टू 19-20 में जो ग्रोथ जो है एकदम गिर गई है ना बिल्कुल, उससे ये सैचुरेशन पॉइंट जो है डिस्प्ले हो रहा है इनका, करेक्ट। तो आई होप आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा ये एनालिसिस, आपको समझ में आया होगा एक्चुअल के अंदर क्या है। और दूसरी चीज ये है कि अगर पर्सनली मेरा जो मानना है वो ये है कि रिलायंस का स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ठीक है, डेफिनेटली है, थोड़ा ओवर वैल्यूड डेफिनेटली है, पर प्रॉब्लम ये है कि इस तरीके के जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं, बहुत सी बार ऐसा होता है कि ये बहुत लंबे टाइम तक ओवर वैल्यूड ही रहते हैं और ये और ज्यादा ओवर वैल्यूड होते जाते हैं, जो इनकी ओवर वैल्यूड सब्सटेंस है वो और ज्यादा इंक्रीज होता जाता है, डीपन होता जाता है, पर फिर भी फर्क नहीं पड़ता है।
ये फिर भी वही रहते हैं, ओवर वैल्यूड ही रहते हैं काफी लंबे टाइम तक। कुछ स्टॉक्स होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया की ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है, उसके अलावा लोगों का ट्रस्ट इतना है जियो पे, तो उसकी वजह से जो हो सकता है कि आने वाले कई सालों तक ये ओवर वैल्यूड ही रहे। तो इसलिए इस स्टॉक को शॉर्ट सेल करना तो तभी सही है जब आपको लग रहा है कि निफ्टी एकदम कंप्लीटली बेयरिश मूड में रहा। अभी जब निफ्टी अपने हाईज लगाए जा रहा है उस टाइम पे, तो रिलायंस को शॉर्ट करना बहुत बड़ी बेवकूफी। जब मार्केट गिरता उस टाइम पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, बट पर्टिकुलरली स्टॉक टारगेट करके रिलायंस को शॉर्ट सेल करना बेवकूफी, क्योंकि रिलायंस जो है वो नहीं इस तरीके से गिरने वाला, क्योंकि फंडामेंटली इतनी साउंड कंपनी है और इतना ट्रस्ट है लोगों को और इतना बड़ा बिजनेस है ना, कि ये कंपनी हो सकता है आने वाले 10 से 15 साल भी ओवर वैल्यूड ही रहे, फिर भी इसके स्टॉक के अंदर जो है कोई भी डाउनफॉल नहीं आएगा। करेक्ट। सो आई होप आपको पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा किस तरीके से इनका बिजनेस सेग्रीगेटेड है और किस सेगमेंट से कितना इनको रेवेन्यू और कितना अर्निंग हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। आई होप यू डू लाइक द वीडियो। Please press the like button, share the video, and do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much.